बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ नमाज। नमाज के बहुत से फ़वाद हैं, जैसे कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, कलेक्टिव एडवांटेजेस ऑफ प्रेयर है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कुछ मॉरल इम्पैक्ट्स भी हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब इन सब को हम लोग टर्न बाय टर्न देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एडवांटेजेस की या फिर इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर की। अश्योरेंस ऑफ एम्स ऑफ लाइफ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे पास एक गोल आ जाता है, हमारे पास चलता है कि हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है, हमारी ज़िंदगी का एम क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जैसे कि यहाँ पर कुरान पाक में इरशाद होता है, और सुबह शाम को अल्लाह की तस्बीह कीजिए। ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 41 ये इरशाद हुआ है। मतलब कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की अतात करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे हम पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो उनको नहीं पता होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि आपको क्यों पैदा किया गया है, कि आपको इसलिए पैदा किया गया है कि आप एक डॉक्टर बने। नो, हमारी लाइफ का जो एक मेन पर्पस है वो ये है कि हमें अल्लाह की इताअत करने, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है और अल्लाह को याद करते रहना है। सो करेक्टर बिल्डिंग, मतलब कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान से मोमिन का सफ़र तय करते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी आदात, इतनी अच्छी अच्छी हैबिट्स आपकी डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं कि आप कब मोमिन बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो ये एक करेक्टर बिल्डिंग है, ये एक सफ़र है मुसलमान से मोमिन बनने तक का। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल है अगर हम सही वे में अपनी नमाज़ें पढ़ें। जिस तरह मुत्तकीन अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर हम उस तरह अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे तो ही हम मुसलमान से मोमिन का सफ़र तय कर पाएंगे। देन अवे फ्रॉम इवल्स, डेफिनेटली नमाज बुराई से रोकती है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है, मतलब कि बुरे कामों से रोकती है। तो जब भी आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, आपको होता था कि मैंने अगली नमाज भी पढ़नी है, और दरमियान में जो टाइम होता है अगर आप उसमें कोई गुनाह कर लेते हो तो आपके जहन में बार बार आता है कि अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो मैं अल्लाह के सामने किस मुँह से जाऊँगा। तो इसलिए आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हो। कंपैशनेट, यहाँ पर है जी, आगाह रहो कि अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का सुकून है। इंसान को दिल का सुकून मैसर हो जाता है जब हम नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अल्लाह के जिक्र में ही बेशक दिलों का सुकून है। मीकनेस, आजजी और इंकसारी एक इंसान में पैदा हो जाती है। मतलब कि नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, जब आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हो तो आपके साथ गरीब बंदा भी खड़ा होता है, ठीक है, अमीर भी खड़ा होता है। तो हर तरह का डिफरेंस अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने क्या कहा है कि भाई अगर कोई सुपीरियर है मेरी नज़र में तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, इसके अलावा नहीं है। देन हम बात करते हैं जी कलेक्टिव एडवांटेजेस ऑफ प्रेयर की। हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक आयत लिखी हुई है, मोमिनों जब नमाज के लिए आवाज़ दी जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की याद के लिए जल्दी करो। ये सूरत अल जुमा की आयत नंबर 9 का ये तर्जमा है। और ये जो आयत आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी नमाज की फ़िलोसफी है। फ़िलोसफी ऑफ नमाज भी एक अलग से लेक्चर है कि क्या फ़िलोसफी है, हमें किस तरह एक रिमाइंडर दिया जाता है, 5 दफ़ा हमें रिमाइंडर दिया जाता है। खैर वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, वो हम अलग से एक लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अजान के अल्फाज आप सुनो, ठीक है, आप जो मर्ज़ी इंपॉर्टेंट काम करो, जो मर्ज़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो छोड़ दो, इस टाइम अल्लाह ने आपको बुला लिया, ठीक है, तो आप लोग जाओ। सो नंबर 1, इरेडिकेशन ऑफ डिसहार्मनी, इंतशार का खात्मा होता है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 103, ठीक है, मतलब जो लोग तफरके में पड़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इस्लाम से ही आगे बहुत से डिफरेंट सेक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, इन सबको ख़त्म कर दो, तफरके में मत पड़ो। सिर्फ एक ही रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता है, वो सिर्फ अल्लाह का रास्ता है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन लोगों में पैदा होना शुरू हो जाता है।
जैसे कि यहाँ पे एक हदीस है जी, सफ़ों के अंदर तरतीब और करीना बैठो, ये फरिश्तों की सुन्नत है। ठीक है, तो मतलब जब हम सफ़े बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग वेल डिसिप्लिन नज़र आते हैं मस्जिदों में। इंटर रिलेशनशिप्स, बाहमी ताउन, ठीक है। मस्जिद क्या है जी, एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ तकरीबन रोज़ ही लोग जाते हैं, आपस में मिलते हैं। जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछते हैं, और अगर कोई नहीं आता तो फिर पूछा जाता है कि भाई वो नहीं आया, क्या वो ठीक है। इस तरह एक दूसरे के हाल से भी बंदा आगाह रहता है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नमाज पढ़ने से फिजिकल क्लीनलीनेस रहती है, मतलब कि आप क्लीन एंड टाइडी हर टाइम रहते हो। आपको होता है कि मैं नमाज पढ़नी है, मेरे कपड़े साफ होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा तहारत, और इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। आप लोग गाने नहीं सुनते, ठीक है, आप लोग मूवीज़ नहीं देखते हो, ठीक है, आप लोग कोई भी गलत चीज़ नहीं देखते हो। रीज़न क्या है, आपको पता होता है कि नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी देनी है, किस चेहरे से अल्लाह के सामने जाएंगी। सो आपकी जो रूह है वो प्योरीफाई होना शुरू हो जाती है, और यहाँ से ही सफ़र स्टार्ट होता है मुसलमान से मोमिन तक का। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें कि आप लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट आप लोग की जो सोल है वो प्योरीफाई नहीं हो रही, आप गुनाहों में उसी तरह मुबतला हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी नमाजें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, प्रैक्टिस ऑफ ओबीडियंस, ठीक है, मतलब कि अल्लाह के सामने आप ओबीडियंट होते हो, ठीक है, तो इस तरह आपके अंदर ओबीडियंसी पैदा होती है। फियर ऑफ गॉड इज़ क्रिएटेड, ठीक है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कोई भी गुनाह करने से पहले याद आता है कि अल्लाह ताला को जवाब देना है, ठीक है, तो बंदा गुनाह करने से रुक जाता है। और हम लोग तो इतने ही गुनाहगार बंदे हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कि बहुत ही बख्शे बख्शाए लोग थे, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बिशारत भी दी थी, वो फिर भी अल्लाह से डरते रहते थे, इतना डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। हम तो वैसे डरते ही नहीं हैं, तो दुआ किया करें कि हमारे दिलों में अल्लाह ताला अपना खौफ डाल दें और अपनी मोहब्बत भी डाल दें। देन डिपेंडेंसी ओनली ऑन अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ते हो आपको पता चलता है कि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ अल्लाह पर है, ठीक है। यहाँ पर एक आयत लिख दीजिएगा, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, ठीक है, मतलब सिर्फ आपसे ही मैं मदद मांगता हूँ, ठीक है। तो ये जो रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर, मतलब कि मैं बहुत बेबस हूँ, मतलब ये आपकी डिपेंडेंसी शो कर रही है कि अल्लाह ताला मैं जितने भी प्लान्स बना लूँ, मैं जो भी कर लूँ, आई कैन डू दैट, सिर्फ आप पर ही मैं डिपेंड कर रहा हूँ और आपने ही मेरी मदद करनी है। इसके अलावा पॉजिटिव एंड रैशनल थिंकिंग इंसान में डेवलप होना शुरू हो जाती है, मस्बत सोच। और जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है तो क्या होता है कि आपकी करेक्टर, जो आपका करेक्टर है, जो आपका किरदार है, ठीक है, वो बिल्ड होता है, ठीक है। और जिस तरह का आपका किरदार होगा उसी तरह के आपके डीड्स, मतलब कि आपके आमाल होंगे। आपकी सोच अच्छी होगी उसका इम्पेक्ट आपके किरदार पर पड़ेगा, आपका किरदार अच्छा होगा तो आपकी डीड्स, आपके जो आमाल हैं वो भी अच्छे होंगे। इसलिए कहते हैं कि फजूल नहीं सोचना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि कोई फजूल बात अगर जहन में आ जाए तो फौरन से उसको साइड पे कर दो। ये सोचो कि भाई मेरा जो दिमाग है वो इन फजूल चीज़ों के लिए नहीं बना, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, मुझे दुनिया भी अच्छी गुजारनी है, मुझे अपनी आखिरत भी अच्छी रखनी है, तो इन छोटी छोटी फजूलियात चीज़ों के लिए मेरा दिमाग नहीं बना, आई हैव टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, ठीक है। देन पंचुअलिटी की हम बात करते हैं, डेफिनेटली 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, पंचुअलिटी आपके अंदर आ जाती है। बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रह वक्तों पर फ़र्ज है, ठीक है, सूरह नसा आयत नंबर 103। देन हम बात करते हैं जी कुछ मॉरल इम्पैक्ट्स की। इसमें सेल्फ कंट्रोल आपको आ जाता है, दिल नहीं भी करता नमाज पढ़ने को, ठीक है, लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाती है ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल करते हो। आप कहते हो कि नहीं, जो मर्जी हो मैं नमाज पढ़नी, जितने मर्जी बहाने बना लो बट मैं नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर कभी ऐसा हो कि मैं थकी हुई हूँ तो मेरे जहन में आता है कि अच्छा चलो आज नहीं पढ़ती नमाज, कल पढ़ लूँगी, इसकी कज़ा दे दूँगी, ठीक है। तो जब मैं इस तरह सारी सोचें मेरे जहन में आ जाती हैं ना, तो मैं बस अपने आप को एक चीज़ कहती हूँ कि भाई जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी हो जाए, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। तो इट्स मीन कि आपका खुद पर क्या है जी, कंट्रोल है। विल पावर, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी विल पावर इंक्रीज़ हो जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो आप लोग, ह्यूमैनिटी, इंसानियत आपके अंदर आ जाती है। हम लोग बहुत से काम ऐसे कर रहे थे कि हमें ह्यूमैनिटी नज़र नहीं आती है,
तो नमाज पढ़ने से आपकी ह्यूमिलिटी नजर आना शुरू हो जाती है, पंचुअलिटी, ठीक है। इसके अलावा करेक्टर बिल्डिंग होना शुरू हो जाती है, एंड अर्ली टू राइज। और आप लोग सुबह उठते हो, सुबह उठने की वजह से क्या होता है कि आपके चेहरे पे एक नूर आता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते उनके चेहरे पे वो नूर नहीं होता। इसके अलावा जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह ताला उनके काम इस तरह बिखेर देते हैं कि वो जिस तरह मर्जी काम करते हैं बट वो कभी भी अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके अलावा सुबह की नमाज जब आप पढ़ते हो वो आपकी पहली अचीवमेंट होती है दिन की, ठीक है। जब आप पहली अचीवमेंट ले लेते हो इसका मतलब ये कि आपका बाकी का दिन भी अच्छा गुजरेगा। देन सोशल इम्पैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन, ठीक है। जब भी मतलब कि आप लोग मस्जिद में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो सब लोग पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करती हैं, ठीक है। इसके अलावा सब लोग मिलके जब कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन जो है वो मतलब कि क्रिएट होना शुरू हो जाती है, टॉलरेंस। अब जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो, ठीक है, अगर मतलब कि सफ़े बनाते हुए किसी की कोहनी आपको लग गई, ठीक है, या हाथ लग गया या पाँव पे पाँव आ गया, ठीक है, तो आप में एक टॉलरेंस बर्दाश्त पैदा होती है। इक्वलिटी, मसावात, ठीक है, मतलब कि जब आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि भाई कोई छोटा बड़ा बराबर अमीर गरीब नहीं है अल्लाह की नज़र में, सब लोग इक्वल हैं अल्लाह की नज़र में। देन जी, मंशियात से निजात, नमाज पढ़ने की वजह से आप लोग नशा भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ खाकर नमाज ना पढ़ो कि आपके आपके मुंह से बू आए और आपका जो जो मतलब कि जो भी आपका कुलीग नमाजी है, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो। तो ये भी मतलब कि फरमाया गया है कि नशा करके नमाज के करीब भी मत जाओ। तो एक तरह से जब अगर आपने नमाज पढ़नी होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने नशा नहीं करना। हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने बस कुछ ही यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स लिखी हैं जी। बीपी नॉर्मल होते हैं, अक्सर कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका बीपी हाई है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से उठें और वजू कर लें, ठीक है, आपको सुकून फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप नॉर्मल हो रहे हो। देन गुड एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोग गूगल करते हो अपना, आपका पेट भरा हुआ है आप लोग गूगल करते हो और एक्सरसाइजेस निकल आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द होते हैं, एक्सरसाइजेस निकल आती हैं गूगल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो आपकी नमाज है। चाहे जोड़ों का दर्द हो या कोई भी दर्द हो, ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ो, ठीक है, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। सर में दर्द हो रही हो तो ये तो मेरा मेरा खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि सर में दर्द हो रही हो तो आप लोग लंबा सजदा करो, अल्लाह ताला से दुआएं करो और सुकून मिल जाएगा, आपकी सर के दर्द खत्म हो जाएगी। ग्लोन फेस, और डेफिनेटली जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरों पे एक नूर होता है अल्लाह की तरफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ नमाज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।